हेलो असला एवरीवान वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ कोयटा बलोचिस्तान फाइनली ये इट्स हैपनिंग सो आर यू गाइज रेडी टू होस्ट पी एस एल एट एग्जीबिशन मैच बिटवीन पर्पल फोर्स एंड येलो स्ट्रोम यानी कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेज पिशावर जलमी एट बुकटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं ब्रॉडकास्टिंग वालों की टीमें कोयटा पहुँच रही हैं क्या आप लोग बलोचिस्तान से मैचेस देखने जा रहे हैं आउट ऑफ बलोचस्तान तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन बलोचस्तान के लोग जरूर देखने जाए और तमाम प्लग इन्स एंड जितनी भी सेटिंग्स वगैरह हैं उसमें सारा सामान पहुंचा रहे हैं कोईटा क्रिकेट स्टेडियम अकॉर्डिंग टू पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी उनके मुताबिक बताया गया था कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाया जाएगा और कोयटा के लोग तो आई नो स्टेडियम जैम पैक कर देंगे काफी सालों साल बाद यहाँ पे कोई इस तरह बड़े लेवल पे मैच हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जी डिटेल से शेयर करेंगे किस तरह से आप टिकट बाय करेंगे कितने का टिकट है कैसे आप स्टेडियम आएंगे कब मैच शुरू होगा कौन कौन खेलने आ रहा है ये सारी चीजें बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे इस पे एंड दो तीन दिन से एक्टिव भी नहीं थे आई नो ये तमाम तरह प्रिपरेशन चल रही है साथ ही में कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आपको देंगे सोचा को सब्सक्राइब करके आइकन को दबाने रहे ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे so, काफी वीडियो होने वाली है मस्ट एंड तक तो वॉच कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा कोई इनफो मिस ना करें ताकि आप जब मैचेस यहाँ पे देखने आ रहे हो या इन केस आप टीवी पे लाइव देख रहे हो आपको तमाम तरह इनफो क्लियर हो ये लेटेस्ट कुछ रेनोवेशन पिक्स भी शेयर कर रहा हूँ स्टैंड को कलर वगैरह किया गया है सारी डेकोरेशन का ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है इन साइड पोलियन वी आई पी एरिया वी आई पी बॉक्स और मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग्स को भी सारा रेनोवे किया है बाहर साइड पर जो पिचिस थी साइड पे काफी एरिया उसकी वगैरह थी ओवरऑल स्टेडियम काफी टाइम से इस तरह बंजर पड़ा हुआ था पाक आर्मी ने काम किया बलुस्तान ने यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सिक्योरिटी काफी सख्त है पाक आर्मी के अंडर है बलुस्तानों ने यहाँ पे सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हुई है सो कभी अपडेट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता बट कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट रखें एंड आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से अपडेट रखा होगा बाकी स्टेडियम की जो सर्फिस है ग्राउंड सर्फिस की अगर बात करें तो वह बेहतर होगी बट ये है कि ग्रास का कलर फीका पड़ गया है बिकॉज ऑफ विंटर सीजन और दूसरा यहाँ पे स्नो भी काफी पड़ती है एंड आज भी मेरे ख्याल से कुछ एरियाज में स्नो पड़ी है बलूचिस्तान के लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ ही दिनों पहले भी यहाँ पे स्नो हुई थी स्टेडियम में भी स्नो पड़ी थी सारी बट ये है कि सर्फिस एंड पिचेस सारी रेडी हैं स्टेडियम में मैच को होस्ट करने के लिए जहां तक लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए कमेंट्स कर रहे थे तो उनके लिए बताते चलू कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स बल्कि आलमोट तमाम तर प्लेयर आपको नेशनल टीम के देखने को मिलेंगे एक्स क्रिकेटर्स भी बीच में शामिल होंगे जैसे कि एग्जीबिशन मैच है ताकि यहाँ पे क्रिकेट की वापसी आए एक अच्छा मैसेज आगे जाए कि बलूचिस्तान सेफ है बलूचिस्तान का हक है यहाँ पे मैचेस होस्ट करना तो पहले मैं प्लेयर्स का बता देता हूँ बाकी इन जो टिकट्स की हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ लाइव किस तरह से आप वॉच करेंगे शायद अफरीदी ने कुछ ही मिनट्स पहले अभी मैसेज भेजा यहाँ पे मैच केवाले से वो आ रहे हैं मैच में पार्टिसपेट करने के लिए कामरान अकमल होंगे उमर अकमल कोयटा जो पर्पल फोर्स है उनके तो आलमोस्ट जो जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं सरफराज अहमद की क्यादत में वो यहाँ पे मैच खेलेंगे और पेशा जलमी के बाबर आजम कैप्टन होंगे तो एक तरह से सरफराज अलेवन वर्सेज बाबर अलेवन का मैच चलेगा वही बड़ा आने वाला है यहाँ पे जैसे कि आपने देखा सोशल मीडिया पे कुछ ही दिनों पहले जर्नलिस्ट ने एक, एक एजेंडा भी चलाया था जो सरफराज एंड बाबर आजम की को लेकर बातें की थी तो एक बड़ा मैच होने वाला है बीस रुपए का टिकट है ये भी नोट कर लें भाई रुपए टिकट है आए मैच देखने के लिए कोयटा के लोग तो जरूर आएंगे मैं बताता चलू स्टेडियम जैम पैक होने वाला है बाकी पेशावर जलमी के स्क्वाड में भी तमाम होंगे जो की साइड से नसीम शाह मोस्ट प्रॉबेबली वो परफॉर्म करे एंड पशावर की तरफ से वहाब रियाज एंड बाकी जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक तरह से मैसेज देने था कि पिशावर और कोयटा के जो होम ग्राउंड्स हैं वो तैयार नहीं है इस एडिशन के लिए उस तरह से मैचेस को होस्ट करने के लिए तो इस वजह से कोई और पिशावर का मैच यहाँ पे रखा गया ताकि एक प्रॉपर स्टार्ट हो सके पी एस का एंड जो नजम सेठी ने बड़ा चैलेंज लिया था कि भाई बूटी गिर स्टेडियम को पॉसिबल बनाएंगे पी एस के मैचेस को होस्ट करने के लिए वो तो बता रहे थे फिर बलोचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने देखा जायजा लिया पाक आर्मी ने यहाँ पे काम किया हमने काफी क्रिटिसाइज भी किया नजम सेठी को इस बात पर कि वो अगर एक काम नहीं पॉसिबल तो बड़ा चैलेंज लेते क्यों है बट ये चलें समथिंग इज़ बेटर देन

हो जाएगी तो उनके नाम से स्टैंड को मंसूब कर दिया है इज़ अ गुड स्टेप और सरीना होटल है यहाँ पे खैर इतना स्टे तो प्लेयर कर नहीं रहे सिर्फ मैच ही खेलने आएंगे एक ही मैच है इसकी इन्फो इतनी मुझे पता है बाकी जो यहाँ का सरीना होटल है कोयटा के लोग ही गाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में वो सवाल से भी बताइएगा कि किस लेवल का वो होटल है फाइव स्टार फोर स्टार और किस लेवल पे वो प्लेयर्स को होस्ट कर सकता है इफ़ इन केस अगर कोयटा में मैचेस पॉसिबल हो जाते हैं और फिर फ्यूचर में इंटरनेशनल या पी क्रिकेट की तरफ प्रॉपर स्टार्ट लिया जाता है वो तो खैर आगे इलेक्शन से ही पता लगेगा कौन सी टीम आएगी नहीं सीबी की टीम चेंज होती है तो सब कुछ चेंज कर देती है और दूसरा इस बात पे क्रेडिट हम नजम सेठी को देंगे कि वो अगर ठान लें तो उसे पॉसिबल बनाने की जरूर कोशिश करते हैं चले थोड़ी बहुत ही रेनोवेशन से ही कुछ ना कुछ तो किया है आई नो कुछ कुछ जगहों में वो लॉलीपॉप ही दे देते हैं इस इसमें मुझे काफी कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं कुछ लोग नजम सेठी को सपोर्ट कर रहे होते हैं कुछ लोग नहीं करते कुछ नए चेयरमैन को अब सबको खुश नहीं किया जा सकता बाकी टिकट्स की इन्फो भी ले लें बोलान क्रिकेट स्टेडियम में टिकट्स अवेलेबल होंगे बुकटी स्टेडियम के पास जो डस्का स्पोर्ट्स स्टोर है वहाँ पे भी टिकट्स अवेलेबल होंगे जॉन माल के नाम से जो मॉल है वहाँ पे भी टिकट हैं और मारियाबाद गुलजारी ट्रेवल्स वाले उनके पास भी टिकट्स अवेलेबल है इसके साथ साथ एयरपोर्ट रोड के पास जो अल महमूद मार्ट वाले हैं वहाँ पे भी टिकट्स अवेलेबल होंगे सो so, टिकट्स की जो प्राइस है वो बीस रुपए है वो मैंने बता दिया है और आठ बजे सुबह फिफ्थ फरवरी को मैंशन किया हुआ है एक जगह पर मैंने अलवन एम भी रीड किया था लेकिन यह है कि तीन से चार घंटों का मैच हो जाता है और शाम आने से पहले पहले मैच को भी फिनिश करना है क्योंकि आपको पता है फ़्लड लाइट्स यहाँ पे नहीं है जो बेसिक नीड है स्टेडियम की चेयर्स एंड फ्लड लाइट्स वो नहीं है सो इस मैच के होस्ट करने के बाद रेनोवेशन हुई है अब अपग्रेडेशन की साइड अगर पीसीबी जाएगी या अब एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी सो फ्लड लाइट्स भी, भी उसमें आ जाएंगी और चेयर्स भी वरना स्टेडियम की आप हालत देखें तो ये डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट होस्ट करने के काबिल नहीं था अभी तो थोड़ी बहुत रेनोवेशन करके इसको मैचेज होस्ट करने के काबिल बनाया है इसी के साथ एक और इन्फो भी नोट कर लें थर्टी जनवरी से आपको टिकट्स अवेलेबल होंगे इन तमाम तरह स्टोर्स में मार्ट में मॉल्स में यहाँ से आप बाई कर सकते हैं और ये मैच बड़ी सतह पे किया जा रहा है बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन कलेबोशन विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेजेंस करके चले यार दिल छोटा ना करें आई नो कोयटा के लोग डिसअपॉइंटेड हुए थे बहुत से लोगों ने ट्वीट्स भी किए लॉलीपॉप करके और कह रहे थे कि पी एस एल एट के मैचेस हमें मिलेंगे काफी एक्साइटेड थे लोग कोई नहीं सारे हीरो आ रहे हैं एटलीस्ट और आपको एक मैच मिल रहा है वरना तो स्टेडियम खाली पड़ा खाली स्टेडियम बेहतर है या मैच मैचेस हों वो बेहतर है ऑलरेडी कंट्री के हालात ठीक नहीं है चले कोई नहीं अब मैच मिल रहा है तो ज़रूर देखने जाए एंड कुछ इस तरह की सिचुएशन है एक बार फिर से कोयटा के बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में आपको फिफ्थ फरवरी को देखने को मिलेगी और लोगो भी जारी कर दिया है प्रॉपर बलोचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने बुगटी स्टेडियम में क्रिकेट रिज्यूम होने का इसके साथ इस साथ इस 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 लजन क्रिकेटर्स हक मोहन खान मोहम्मद यूसफ ये भी मैच में पार्टिसिपेट करेंगे सुनने में आया है अब लेट्स सी वो जाते हैं मैच खेलते हैं या नहीं एग्जीबिशन मैच है ताकि लजन क्रिकेटर्स को भी लोग देख लें और दूसरा ये कि हायर अथॉरिटीज़ पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी भी जाएंगे उनकी टीम उनके कुछ मेंबर्स भी यहाँ पे जाएंगे मैच को देखेंगे सो उनको जायजा भी हो जाएगा कि किस लेवल की रेनोवेशन हुई है और कितनी रेनोवेशन अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है स्टेडियम के लिए प्रॉपर क्रिकेट को रिज्यूम करने के लिए उस हिसाब से अगर फिर पी सोचे तो फिर अपग्रेडेशन कर सकती है वरना तो बड़े बोल ही बोलते हैं जैसे पिशावर के लिए कहते हैं कि भाई हमें दे दें मैंने वीडियो भी बनाई कि भाई हमें दे दें पीसीबी सी भी बनाकर दे देगा हालांकि चेयर्स तक इंस्टॉल नहीं कर पा रहा और स्टेडियम बनाने का बोल रहा है सो so खैर अब कुछ अच्छा हो रहा है एटलीस्ट उसको तो प्रमोट करें और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन देखने जा रहा है कौन कौन घरों में देख रहा है स्टेडियम में बैनर्स बैनर फ्लैक्स वगैरह भी लगाना शुरू कर दिए हैं सारी प्रेपरेशन शुरू हो चुकी है बस होप फुली के मौसम अच्छा रहे स्नो वगैरह ना पड़े और मैच हो जाए वरना तो काफी सर्दी होती है यहाँ बुकटी स्टेडियम कोयटा में कोशिश करूंगा मैच से पहले प्रेपरेशन और जब स्टेडियम फाइनली रेडी होगा वो भी उसकी भी एक अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाए जैसे बाकी इंटरनेशनल टूर्स की और स्टेडियम की वीडियो हम शेयर कर देते हैं उम्मीद है अब तक की जितनी इन्फो मैंने आपके साथ शेयर की बैक टू तो बैक अपडेट्स और रेनोवेशन की अपडेट्स भी शेयर की वो तो आपको हेल्पफुल लगी होंगी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर आके फॉलो कर लें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह